हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपकी क्लास नाइन्थ की जो इंग्लिश की वर्कशीट है उसकी वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। तो इस वर्कबुक की वर्कशीट 15 में हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा द लर्नर अंडरस्टैंड्स एंड यूजेस एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। तो आपको एक वाक्य में एडवर्ब को समझना और उसका प्रयोग करना आ जाएगा। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। लर्निंग स्किल हमारी रहेगी रीडिंग एंड राइटिंग, और लर्निंग हिंट रहेंगे एडवर्ब इज अ वर्ब विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य किसी क्रिया के या किसी क्रिया या किसी विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को बदल देते हैं। एग्जाम्पल दिया है राम रन्स क्विकली, राम तेजी से दौड़ता है। यहाँ पे क्विकली जो है क्विकली शोज हाउ और इन व्हाट मैनर राम रन्स। क्विकली बताता है कि राम कैसा दौड़ता है, राम कैसा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। सो द वर्ब एडवर्ब क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। इसलिए जो क्विकली है वो इस एडवर्ब क्रिया रन को बदल देती है। पहला हमारा क्वेश्चन आ दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द बुक्स। बुक्स में दिए गए उपयुक्त क्रिया विशेषण की सहायता से इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो पहला है कम हियर क्विकली, यू हैव टू सी दिस। फटाफट यहाँ आओ, यू हैव टू सी दिस, आपको ये देखना है। आप को इन इस बॉक्स में जितनी भी एडवर्ब दी गई हैं, आपको इनमें जो एडवर्ब इस सेंटेंस में समझ में आती है आप वो लगा सकते हैं। आप कम हेयर क्विकली लगा सकते हैं, कम हेयर एक्साइटेडली लगा सकते हैं, कम हेयर सडनली भी लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, बशर्ते वो सेंटेंस सही बनता हो। सेकेंड है राम केयरलेसली पुट द फोन ऑन द टेबल, इट फेल ऑन द फ्लोर। राम ने लापरवाही से फोन को मेज पर रख दिया और यह फर्श पर गिर गया। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है सिमरन इज थ्रोइंग अ पार्टी ऑन सैटरडे। सिमरन शनिवार को एक पार्टी दे रही है। शी हैज फाइनली कंप्लीटेड हर पीएचडी, उसने आखिरकार अपनी पीएचडी पूरी कर ली है। लेट अस वॉक स्लोली एज वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द क्लास, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को स्लोली क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमें अब हम क्लास के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्विकली भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर इजीली भी लगा सकते हैं, जैसा आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। ईट वेल एज इट हेल्प्स इन डाइजेशन, अच्छा खाना चाहिए क्योंकि ये इससे हमारे को भोजन पचने में मदद मिलती है। आप यहाँ पर क्वाइटली भी लगा सकते हैं, शांति से खाना खाना चाहिए, और हम यहाँ पर केयरफुली भी लगा सकते हैं, जैसा आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ही प्लेज म्यूजिक लाउडली कॉजिंग एन अनायंस टू ऑल हिज नेबर्स, वो संगीत को बहुत तेज बजाता है जिसके कारण सभी पड़ोसियों को एक दिक्कत होती है। रवि वाज सिटिंग क्वाइटली एज ही वाज अपसेट, रवि बड़ी शांति से बैठा था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अपसेट था। हर न्यू हाउस वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, या यहाँ पर हम वेल डेकोरेटेड भी कर सकते हैं कि उसका नया घर जो था वो बहुत सुंदर सजाया गया था या बहुत अच्छे से सजाया गया था। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग एंड देन सडनली इट बिकेम क्लाउडी एंड स्टार्टेड रेनिंग, बड़ा ही शानदार दिन निकला हुआ था, धूप निकली हुई थी और अचानक ही बादल छा गए और बारिश होने लगी। टेंथ क्वेश्चन है योर बॉस इज वेरी काइंड, आपके मालिक बड़े दयालु हैं। यू कैन टॉक टू हिम ईजिली, आप उनसे बड़े आराम से बात कर सकते हैं। इसके बाद में यही जो हमें एडवर्ब्स दी गई हैं ये बॉक्स वाले, इन एडवर्ब्स का यूज करते हुए हमें 5 सेंटेंस बनाने हैं, मैंने आपके लिए बनाए हैं। वी कैन ईजिली डू दिस, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। राम राइट्स ब्यूटीफुली, राम बहुत सुंदर लिखता है। वी शुड स्टडी इन क्लास क्वाइटली, हमें क्लास में बड़े शांति से पढ़ना चाहिए। आवर क्लास टीचर टीच अस एक्साइटेडली, हमारी जो कक्षा अध्यापक है वो हमें बड़े ही उत्साह के साथ पढ़ाते हैं। द वेदर चेंज्ड सडनली, अचानक ही मौसम बदल गया। तो इस तरह से जो हमारे को ये 5 क्वेश्चन हैं, 5 सेंटेंस बनाने हैं, वो हमने बना लिए हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 15, वो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग भरतोड़ा ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।